हाय हेलो, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट पे थे। तो उस दिन मैंने आपको, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने समझाया है कि प्लांट में जो फ्लावर होता है, सेक्सुअल पार्ट्स, जो कि प्लांट का फ्लावर ही है, और फ्लावर में कैसे वो चेंजेस होता, फ्लावर जो सेक्सुअल पार्ट्स है प्लांट का वो फ्लावर है, और फ्लावर में हमने देखा कि कैसे पार्ट्स क्या क्या है। आज हम लोग डायग्राम के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायग्रामेटिकली हम लोग आज देखते हैं कि फ्लावर में कौन सा पार्ट कहाँ सिचुएटेड है और कैसे ये रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, डायग्राम तो मेरा बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को ये हमारा एक डायग्राम प्रॉपर तो नहीं बन पा रहा, लेकिन करीब करीब ऐसा ही है। ये स्टेमेन है, इसके अंदर एग सेल होता, इसके ऊपर ये बना हुआ है स्टेमेन। हरी पार्ट्स में आपको अलग अलग फिलामेंट मिलेगा जिसके ऊपर एंथर है, और इस एंथर के ऊपर, एंथर के अंदर ये ऑलरेडी पोलन ग्रेन से भरा होता है। ये ओबड़ी है, ये जो बिल्कुल अंदर, ये आपका ओबड़ी है, ये हमारा फिलामेंट, ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट जिसको हम लोग, आप एन, ये तो आपका हो गया एंथर, ये जो प्लांट में मैंने बताया था सेपल, ये आपका पिटल, जो कलरफुल पार्ट्स है प्लांट में, वो पिटल जिसके लिए मैंने कहा था अट्रैक्ट करता है ये किसी भी इंसेक्ट्स को, ये आपका हो गया, ये जो ट्यूब लाइक जो फीमेल पार्ट्स है, ये इसको हम लोग कहते हैं जो अपर पोर्शन है, ये तो एस्टिग्मा है, एस्टिग्मा, और ये जो फिलामेंट है इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, क्या कहते हैं स्टाइल, ये फिलामेंट स्टाइल हो गया। अब यहां जो जिसके अंदर ये हमारा ओबड़ी है, किसी भी फ्लावर में नीचे जो होता वो हमारा ओबड़ी है, ओबड़ी जिसमें ओबम नाम का, यानी कि एग सेल, ओबड़ी में ओबा यानी कि एग सेल सिचुएटेड होता। ये जिसके ऊपर एंथर टिका हुआ है वो कहलाता है फिलामेंट, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता, बहुत ही छोटे छोटे दाने के रूप में पोलन ग्रेन होता। बेटा एंथर और फिलामेंट इन दोनों को कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन रूप से हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को कंबाइन रूप से कहते हैं स्टेमेन, स्टेमेन, ठीक है। ऐसे ही ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओबड़ी, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओबड़ी, इन तीनों को कंबाइन फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टल,
पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट्स पिस्टिल हो गया, मेल पार्ट्स स्टेमन हो गया। अब पिटल और सेपल, ये तो सेपल प्राइमरी स्टेज में और पिटल उसको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें फर्टिलाइजेशन होता, फर्टिलाइजेशन से पहले हमें बात करना होगा पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन जो मतलब पोलिनेशन, ट्रांस पोलिनेशन किसको बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन यानी किसी भी पोलेन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन होना, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहां से एंथर से स्टिग्मा में पोलेन ग्रेन को एंटर करना जरूरी है। और ये जो पोलिनेशन है ना, यानी कि पोलिनेशन, पोलिनेशन मैंने अभी आपको बताया पोलेन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज में, एंथर से स्टिग्मा में, पोलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पोलेन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा। ये दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट के फ्लावर में, एक ही प्लांट है उसी में जितने भी फ्लावर हैं, या तो सेम फ्लावर में पोलेन ग्रेन एस्टिग्मा में एंटर कर जाए या दूसरे फ्लावर का पोलेन ग्रेन दूसरे फ्लावर के एस्टिग्मा में एंटर करे, यानी प्लांट सेम है और उसके पोलेन ग्रेन अगर ट्रांसफर हुआ तो वो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। सेकेंड है क्रॉस पोलिनेशन, यानी एक फ्लावर एक दूसरे पेड़ से, ट्री हमारा सेम प्लांट नहीं होगा, प्लांट डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्लांट के पोलेन ग्रेन डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा में एंटर किया तो वो कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज है बहुत, उसका भी फायदा है अपना, दोनों का फायदा है। सेल्फ पोलिनेशन में प्रिजर्व होता पैरेंटल कैरेक्टर, जो भी उस प्लांट का जेनेटिक कैरेक्टर है उसमें ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो सेम टाइप का होता है, ये मतलब आपको एडवांटेज मिला। दूसरा कि इसको प्रोड्यूस करना यानी नेक्टर या ऑर्डर या कलरफुल होना कोई जरूरी नहीं होता, नेक्टर को चूसने के लिए हनी भी इधर उधर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाता है, वो भी कैरियर है। इंसेक्ट्स कलरफुल है तो इंसेक्ट्स उस पर अट्रैक्ट होगा, बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठा उसके पैर में चिपक के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक गया तो इसकी आवश्यकता कम होगी। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन का भी एडवांटेज है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन में जो ऑफस्प्रिंग होगा यानी कि न्यू वैरायटी डेवलप होगा, जो नया पौधा मिला नया प्लांट बनेगा उसकी वैरायटी में इंप्रूवमेंट होगी। सेकेंड उसमें आपको हायर क्वालिटी डेवलप हो जाएगा। तीसरा हेल्दी प्रोडक्ट होगा और
सबसे बड़ी बात कि उसके जो सीड्स होंगे ना वो अत्यधिक विजिबल होगा, मोर वाइवेबल सीड्स बनेगा, यानी सीड्स हेल्दी होगा तो जाहिर है हेल्दी जीव ही होगा तो वो बेटर बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स बोथ कंबाइन और फ्यूज। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस जब पोलन ग्रेन यहां से चल के इसके अंदर एंटर किया और यहां पर जो ओबासिर मिला तो वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स ओब्यूल, ओब्यूल कहते हैं एग सेल को, किसको, ओब्यूल प्लस मेल, यानी आपका क्या बना मेल ओब्यूल जब पोलन ग्रेन से हुआ ओब्यूल पोलन ग्रेन से जब फर्टिलाइज हुआ तो बना सीड यानी बीज। और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता, ओबरी जब पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज होता है तो ये आपका फ्रूट्स बनता है, फल जिसको आप लोग यूज करते हैं। ये जो फ्रूट्स है प्लांट में, केवल प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स वन टाइम पोलन ग्रेन फर्टिलाइज द ओब्यूल विच मेक सीड एंड सेकेंड टाइम पोलन ग्रेन फर्टिलाइज विद ओबरी एंड इट बिकम्स द फ्रूट्स, दैट मीन्स द फ्लैसी एरिया विच इज प्रोवाइड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द सीड दैट इज द फ्रूट्स, यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता प्लांट में। पोलन ग्रेन का ओब्यूल से मिलना फर्टिलाइजेशन हुआ, पोलन ग्रेन का ओबरी से मिक्सअप होना फर्टिलाइजेशन हुआ। ओबरी बनता है फ्रूट्स के रूप में और ओब्यूल बनता है सीड के रूप में, यानी फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन हुआ प्लांट में। उससे पहले हमने पोलिनेशन की बात की। पोलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दो टाइप का पोलिनेशन हुआ, सेल्फ क्रॉस, सेल्फ में सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में एंटर करे, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में एंटर करे तो वो सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट, अगर दूसरे किसी दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में एंटर करे तो वो क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन की मोड की जरूरत होती है, जिसमें इंसेक्ट सबसे बेटर मोड है, एयर मोड है, वाटर मोड है, मतलब ट्रांसफर होना है पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा में। क्लियर। ये सारे पार्ट्स पिटल हमारे लिए नहीं होता, पंखुड़ियां जो होती है ना प्लांट का फ्लावर में कलरफुल ऑर्डर यानी स्मेल, ये हम लोगों के लिए नहीं होता, ये इंसेक्ट्स को इट्रैक्ट करने के लिए होता है। और इसी तरीके से हमारा सीड बनता, सीड आगे डेवलप होकर उसमें बेबी सीड दैट मीन्स इट कंटेन बेबी प्लांट, जो जब अपने पास सराउंडिंग फेवरेबल कंडीशन में फिर से वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के लिए सीड में सबसे पहले रूट सिस्टम जर्मिनेट होता और रूट सिस्टम डेवलप होकर फिर आगे पहले वो मिट्टी में जाता है, उसके बाद सेकेंडली शूट सिस्टम डेवलप होता जो फर्दर आगे बढ़कर वो क्या बनता है, शूट, प्लांट का शूट सिस्टम बनता है।
इसके लिए, यानी कि प्लांट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता वो फ्लावर के कारण होता। अब प्लांट के बाद हम लोग एनिमल में चलेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक एक पॉइंट्स वाइज आपको डिटेल दूंगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, हर एक वीडियो को पूरा देखना होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबसे उससे पहले बात करेंगे द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, बाय।